हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सब टीवी के शो वागले की दुनिया के हवाले से। सो गाइस, न्यूज़ ये है कि वागले की दुनिया की शूटिंग जो है वो स्टॉप कर दी गई है। सो इसकी शूटिंग जो है वागले की दुनिया की वो स्टॉप हो गई है जी। सो आपको जो मंडे से है वो न्यू एपिसोड उसके देखने के नहीं मिलेंगे। वागले की दुनिया जो कि सब टीवी का कॉमेडी शो है, जो कि जिसको प्रोड्यूस कर रहा है हेड्स ऑफ प्रोडक्शन और जेडी मधुरिया जो उसको शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सुमित राघवन जो है उसको लीड कर रहे हैं। सो ये शो काफ़ी कुछ अरसे से अभी आया था, आई थिंक 2 मंथ्स हुए हैं शो को लॉन्च हुए। सो उसकी जो शूटिंग है वो स्टॉप हो चुकी है, और जो रीज़न सामने आया है वो यही वही रीज़न है जो कि बाकी टीवी शोज़ को स्टॉप होने का रीज़न बना है, जो COVID-19 की थर्ड वेव आई है। सो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस जैसे ही बढ़े हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लीडिंग टीवी एक्ट्रेस को भी हमने देखा कि उनको भी कोविड हुआ, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा टीवी शोज़ की जो शूटिंग है वो डिस्टर्ब हुई। काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स के बगैर, काफ़ी ज़्यादा टीवी शोज़ को उनके लीड एक्टर्स के बगैर टीवी शूटिंग को आगे बढ़ाना पड़ा, या कहीं टीवी शूटिंग को स्टॉप करवाना पड़ा। सो इसी तरह से जो वागले की दुनिया की शूटिंग जो है वो भी स्टॉप हुई है COVID-19 की ही वजह से, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा क्रू मेम्बर्स को जो है वो कोविड हो चुका है। और अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो हमारे पास जो न्यूज़ आई हैं वो तकरीबन 8 क्रू मेंबर्स को कोविड हो चुका है, और बाकी क्रू मेंबर्स के और कास्ट वगैरह के कोविड टेस्ट करवाए गए हैं जिनकी रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था उन शो के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के लिए भी कि इतने ज़्यादा मैचेस लेने के बाद भी इस तरह से इतने लोगों का कोविड हो जाना। सो उसकी वजह से उन्होंने यही डिसीजन लिया है कि फ़िलहाल के लिए इसकी शूटिंग को स्टॉप कर दिया जाए, और जब तक बाकी लोगों की रिपोर्ट्स नहीं आती और कुछ और मैचेस लेने पड़ेंगे बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए, तो तब तक उसकी शूटिंग को स्टॉप कर दिया जाए। सो हमें तब तक उसके ऑल एपिसोड देखने को मिलेंगे। सो लेकिन इसकी शूटिंग बिल्कुल रिज्यूम होगी, शो अभी एंड नहीं हुआ, इसके और एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे, और जल्दी इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सो देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है इसकी शूटिंग स्टार्ट होने में, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि COVID-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है शूटिंग्स में, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में इसके केसेस बढ़ रहे हैं, सो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए कि इसकी शूटिंग को कंटिन्यू रखा जाए। इसी तरह से हमने देखा कि लीडिंग जो टीवी शोज़ हैं, स्टार प्लस के हों या सोनी के, उन सब की शूटिंग डिस्टर्ब हुई है। अनुपमा का हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जितने भी लीडिंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस थी सबको कोविड हो चुका है, और इसी तरह से दूसरे टीवी शोज़ की हम बात करें तो इन सब में हमें यही देखने को मिल रहा है कि शूटिंग स्टॉप हुई हो रही है। सो देखना होगा कि कब तक इसकी थर्ड वेव रहती है, कब तक ये डिस्टर्बेंस रहती है, प्रोड्यूसर मेकर्स क्या आगे डिसीजन लेते हैं, क्या सारे टीवी शोज़ को हो सकता है कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया जाए। सो जिस तरह से हमने लास्ट ईयर देखा था, हो सकता है इस तरह की सिचुएशन फिर से बन जाए, लेकिन अभी तक तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह एक्टर्स को रेस्ट करवा के कुछ किया जाए, लेकिन अब देखते हैं किस तरह से आगे होगा। सो जैसे हमें आगे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। सो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर 1000 तक पहुँच जाएँ और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ बनाते रहें। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी। एपिसोड 4।